Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Students, हमने chapter number 14 हाँ पढ़ लिया था ना, आधा पढ़ लिया था. हमने क्या पढ़ा था इसमें कि जो फूड होते हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं, है ना. हम बहुत टाइप्स के फूड खाते हैं. कुछ फूड हमें एनर्जी देते हैं, है ना. कुछ फूड हमें ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करते हैं. कुछ फूड हमें डिसीजेस मतलब बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं. हमने क्या देखा था कि एनर्जी हमें कौन देते हैं, हमारे जो पोटैटो मतलब आलू है वो, राइस मतलब चावल, और जो बटर है वो हमें एनर्जी देते हैं. और कुछ फूड हमें ग्रो करने में मतलब कि बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं ना, जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, मीट हो गया, पीस हो गया, एग्स हो गए और फिश हो गई. इसके अलावा हमने ये देखा था कि हम बीमारियों से लड़ने में भी हमारी हेल्प करते हैं कौन, हमारे जितने भी फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है वो. इसके बाद हमने देखा था कि बैलेंस डाइट होती है कौन सी, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी और दूध हो, है ना. ये हमारी बैलेंस डाइट होती है, हमने पढ़ा था. इसके बाद हमने ये चीज़ भी देखी थी कि हमें खाने के बीच में, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं और आफ्टरनून में हम लंच करते हैं, नाइट में हम डिनर करते हैं, तीन बार खाते हैं, इसके बीच में हमें नहीं खाना चाहिए, है ना. खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए, और हमें ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है, हमें कम खाना भी नहीं खाना है जिससे हमें वीकनेस महसूस हो, यानी कि कमजोरी आए, हम बीमार हो. हमें ज़्यादा भी नहीं खाना है जिससे कि हम मोटे हो जाए, हेल्दी हो जाए, ना. हमें बाहर की चीज़ें भी नहीं खानी है, बर्गर पेस्ट्री पास्ता नूडल्स पानी पतासे, ये चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, ना. और हमने क्या देखा था कि हमें जो वेजिटेबल्स है उनको कट करने के बाद नहीं वॉश करना है, उनको काटने के पहले ही वॉश करना है, यानी धोना है. नहीं तो जब हम धोते हैं तो उन पानी जो निकालते हैं उस टाइम उनका उनके मिनरल्स और प्रोटीन्स भी निकल जाते हैं. उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमें कवर्ड फूड खाना चाहिए, मतलब ढका हुआ. अगर खुला हुआ खाना है तो हमें नहीं खाना चाहिए. हमें स्ट्रीट फूड ठेला गाड़ियों पे जो मिलता है ना, थैलों पे, जैसे पानी तासे हुए, साबुदाना खिचड़ी हुई, या फिर बेक समोसा हुआ, और पास्ता हुआ, नूडल्स हुए, चाउमीन हुए, मंचूरियन, ये ठेलों पे बिकते हैं ना, तो ढका हुआ नहीं होता है. तो हमें कवर्ड फूड खाना चाहिए, कवर्ड मतलब ढका हुआ. अब आगे आज मैं पढ़ाती हूँ आगे का, है ना. वो पहले का इसलिए बताया कि कभी आपको याद नहीं हो तो आपको याद आ सके. द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल मतलब कि जिस पे हम खाना खाते हैं ना, वो हमारी डाइनिंग टेबल होती है. डाइनिंग टेबल पर क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम पढ़ेंगे. हमें वॉश, हमारा जो हैंड है वो वॉश करना है खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद. और हमें साफ जगहों पर खाना खाना है ना, हमें किसी जगह पर खाना खाना है, साफ जगहों पर. वी मस्ट ईट एट क्लीन प्लेस. वी मस्ट वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील. हमें साफ जगह पर बैठ के खाना खाना है, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोना है. वी मस्ट योर फूड वेल एंड ईट स्लोली. हमें हमारा खाना अच्छे से चबा चबा के खाना है ना, फटाफट नहीं उतारना है, अच्छे से चबा के खाना है और धीरे धीरे खाना है. वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग. हमें खाना खाते टाइम हंसना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है, मतलब बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, है ना. वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन प्लेट. हमें क्लीन साफ सुथरी प्लेट में खाना खाना है, गंदी में नहीं खाना है ना. वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड. हमें है ना जो संतुलित आहार बैलेंस्ड डाइट मतलब कि दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स, ये चीज़ें हमें खानी है. वी शुड नॉट वेस्ट अवर फूड बिकॉज ईच फूड ग्रेन इज प्रीशियस. हमें खाने को वेस्ट नहीं करना है ना, क्योंकि खाना बर्बाद नहीं करना है, खाने का एक एक कण बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ईट ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन अवर टीथ. सो हाँ, हमारे जो खाना है ना वो दांतों में लग भी जाता है ना जब हम खाते हैं, तो हमें ब्रश करके सोना चाहिए, पता है, ताकि खाने का एक भी कण हमारे मुंह में ना रह सके. हमें अपने मुंह को भी अच्छे साफ करना है, क्योंकि हमारी जो टंग होती है उस पर भी जम्स होते हैं ना, तो खाना खाने के बाद हम ब्रश करना है, हमारी जो टंग है उसको भी अच्छे से क्लीन करना है. इसके बाद बारी आती है इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन की. वी गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए और खेलने के लिए, बट वो एनर्जी किससे मिलती है, फूड. क्या आएगा बेटा, फूड, FOOD, फूड. इसके बाद द मील वी टेक इन आफ्टरनून इज कॉल्ड. अच्छा, हम दिन में जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं, लंच. क्या आएगा, लंच. द फूड दैट कैन मेक अस फेट. अच्छा, ऐसा खाना जो हमें मोटा बनाता है उसको क्या आएगा, जंक फूड. क्या आएगा, जंक फूड. जंक फूड मतलब क्या होता है, पता है आपको, यही हमारे बर्गर पेस्ट्री पिज्ज़ा
ये हमारे जंक फूडों का नूडल्स वगैरह सारी चीज़ें है ना, वी शुड स्टोर फूड इन, हम खाने को कहाँ रखते हैं, बॉक्स में, अलमीरा में, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में। सर्कल द ओड वन, देखो दाल, राइस, स्वीट, ये सब तो हमारी हो गई वेजिटेरियन, बट फिश, फिश हमारी नॉन वेजिटेरियन है ना। बनाना फ्रूट है, एप्पल फ्रूट है, ग्रेप्स फ्रूट है, पर शुगर फ्रूट फ्रूट नहीं है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें दिन में क्या पीना चाहिए, प्लेंटी मतलब ढेर सारा पानी पीना चाहिए ना, वाटर मतलब पानी, हमें दिन में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर, हमें सब्जियों कैसे धोना है, क्लीन वाटर से धोना है ना, पर वी शुड वॉश, वॉश मतलब धोना चाहिए। वी शुड नॉट वाइल ईटिंग, हमको क्या नहीं करना चाहिए, खाना खाते टाइम बात बात नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए को हम क्या बोलते हैं, टॉक। वी शुड ऑलवेज यूज प्लेट, हमें कैसी प्लेट यूज करना चाहिए, क्लीन है ना, क्लीन। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की, वाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं, देखो इसके क्वेश्चन आंसर ये रह गए, सॉरी, वाई डू वी ईट फूड, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम डिसीजेस, इसका मीनिंग बताती हूँ। फूड प्रोवाइड अस मतलब खाना हमें प्रोवाइड करता है, क्या देता है, एनर्जी, एंड प्रोटेक्ट अस बचाता है किससे, डिसीजेस मतलब बीमारी से। खाना हमें क्या देता है, एनर्जी, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी मतलब खाना हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाता है, सुरक्षा करता है, अगेंस्ट फ्रॉम डिसीजेस किससे, डिसीजेस, डिसीजेस मतलब बीमारियों से। फूड इज मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखो खाना में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हमारे, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स और फूड कंटेंस डिफरेंट न्यूट्रिशंस, देखो अलग अलग टाइप के जो फूड होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हमारे दाल हो गए, चावल हो गए, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, हमारे नॉन वेज हो गए, सब चीज़ अलग अलग हो गई ना, सब में अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं ना, डिफरेंट न्यूट्रिशन, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, और ये क्यों जरूरी है, ताकि हम अलग अलग टाइप के खाना भी खा सकें और अलग टाइप के फ्रूट्स भी खा सकें। वाई शुड वी नॉट बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर, देखो हम ठेले जो लगते हैं ना उनसे हमें खाना क्यों नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज दे सेल अनकवर्ड फूड, क्योंकि वो कैसा खाना देते हैं, अनकवर्ड। राइट टू गुड हैबिट, द गुड हैबिट के बारे में, वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन मील, हमें खाना खाने के बीच में बात नहीं करनी है। वी शुड नॉट ईट टू लिटिल फूड, इट मेक अस वीक एंड टायर्ड, हमें कम खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि कम खाना खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तीन क्वेश्चन है ना, वाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि खाना हमें एनर्जी देता है और हमें बीमारियों से बचाता है, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं यहाँ से तो डिसीसेस तक, ठीक है, इतना लिख लेना, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम डिसीसेस, इतना लिख लेना है ना, ये इसका आंसर इतना, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम डिसीजेस, मैंने बड़ा लिखा है बट आप इतना लिखना तो आपको ईजी लगेगा, है ना। वाई शुड वी नॉट बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर, मतलब कि जो रोड के किनारों पे दुकान लगती है ना ठेलों की, हमें उनसे खाना क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो खाना कैसा बेचते हैं, बिना ढका हुआ, अनकवर्ड, बिकॉज दे सेल अनकवर्ड फूड, है ना, अनकवर्ड, अनकवर्ड है, और फिर यहाँ लिखा है फूड, है ना, फूड लिखा है मैंने। राइट टू गुड हैबिट, दो गुड हैबिट कौन सी हो गई, एक तो ये कि हमें खाना खाने के पहले, वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन मील, हमें खाना, वी शुड नॉट इन बिटवीन, हाँ खाने के दौरान हमें बीच में खाना नहीं खाना, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया, दिन में लंच कर लिया, नाइट में डिनर कर लिया, वापस खाना नहीं खाना है। वी शुड नॉट ईट टू लिटिल फूड, इट मेक अस वीक एंड टायर्ड, हमको बहुत कम भी खाना नहीं खाना, ये हमें क्या कर देगा, टायर्ड मतलब बीमार, थकाव महसूस कराएगा और वीकनेस आएगी। उस वाले पिक में आपको क्लियर ना दिखे तो इस वाले पिक में आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 14, तीन क्वेश्चन है। अब देखो इसका आप यहीं तक लिखना, डीसीसीएस है ना, यहाँ से फूड से तो ये डीसीसीएस तक है ना, क्योंकि मैंने बड़ा लिख दिया बेटा, ये बड़ा आपको याद नहीं होगा, तो आप इतना लिख सकते हो, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम डिसीजेस, ठीक है। दूसरा वाला तो लिखा ही है, बिकॉज दे सेल अनकवर्ड फूड, है ना, ये अनकवर्ड का मतलब होता है बिना ढका हुआ, ठीक है, कवर्ड मतलब ढका हुआ, अनकवर्ड मतलब बिना ढका हुआ।
और दो गुड हैबिट कौन सी हो गई, वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन मील, खाने के दौरान खाना नहीं खाना है, मतलब तीन टाइम खाते ना उसके बाद बीच में नहीं खाना है। वी शुड नॉट ईट टू लिटिल फूड, टू लिटिल मतलब बहुत कम खाना नहीं खाना है, क्यों, इट मेक अस वीक, वीक मतलब कमजोर, हम कम खाना खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे और टायर्ड मतलब थकाव महसूस करेंगे, है ना। ये क्लियर हो गया, इसका बुक वर्क भी करा दिया मैंने और क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए ना और समझा भी दिए।